हाय, आज हम जानेंगे पिक्सआर्ट ऐप्स के बारे में। ये एक शानदार ऐप्स है जिसके माध्यम से आप किसी भी इमेज को आसानी से एडिटिंग कर सकते हो और उस इमेज को बैकग्राउंड भी आसानी से चेंज कर सकते हो। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है उसका भी लोगो आप यहां से बना सकते हो और अपनी कोई भी यूट्यूब चैनल का लोगो भी आप आसानी से बना सकते हो। और बहुत ही शानदार फ्यूचर आपको इस ऐप्स में मिलते हैं जिसकी इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोटो को बेहतरीन से बेहतरीन शानदार एक लुक बना सकते हो। इस ऐप्स को आप प्ले स्टोर में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो और मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा हूँ, उसमें भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज हम जानेंगे यूट्यूब चैनल का लोगो कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं पिक्स एप्स एक्सपर। अभी एप्स देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अभी हम मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर आके आप जैसे ही यहाँ पर प्ले स्टोर में जाके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, चलो मेरे को अपलोड भी करना है, मैं कर लूँगा बाद में। तो यहाँ पर ये है एप्स, इसको जैसे हम ऑन करते हैं थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएंगे, यहाँ पर कुछ स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर जो प्लस का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है जो क्रिएट करने के लिए हमारे पास। जैसे यहाँ पर सबसे ए फोटो एडिट, फोटो में हम जाएंगे, जाने के बाद इस तरह से फ़ोटो का कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर सबसे ऊपर तीन ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर जाना है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में भी इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड लेके आप फोटो को एडिट कर सकते हो। फिलहाल ही हम यूट्यूब चैनल का लोगो बनाना है तो हम यहाँ पर इससे कुछ कलर हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं, चलिए यहाँ पर लेते हैं हम एक कलर सर्च कर लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास इस तरह से आ गया है। यहाँ पर हम क्या करना है, जो नीचे जो ये सारे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर हमको जाना है टेक्स्ट में। यहाँ पर जाके हमको यहाँ पर लिखना है अपना चैनल का पहला जो अक्षर है उसको लिखना है। जैसे मेरा चैनल का पहला अक्षर है, मेरा दूसरा चैनल उसका पहला अक्षर है डी, और यहाँ पर हम इसे क्लिक कर देंगे डी। तो इसको हम बढ़िया तरह से अपना हिसाब से कर सकते हैं। उसके ऊपर हमको यहाँ पर बोले सीडो करना है, सीडो करने के बाद इसको 100% कर देना है और इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो उसके बाद ये हो गया हमारा तैयार, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारे पास। उसके ऊपर हम दोबारा हमारा जो चैनल का दूसरा ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मेरा पास है वो वाई तो लिखेंगे वाई यहाँ पर। और इसका जो फॉर्मेट है इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, ये इसको थोड़ा चेंज करेंगे, रखा दिया है इसको मैं कर देते हैं ब्लैक। तो ये हो गया। अभी इसको भी हम सीडो में जाके इसको कर देंगे, इसको कर देते हैं 100% इसको। चलिए ये हो गया। यहाँ पर हम राइट क्लिक पर हम राइट निशान पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बन गया हमारे लोगो। अभी सबसे मेन बात यहाँ पर आके इस लोगो को साइड बनाना है। यहाँ पर जो टूल्स है टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर शेप क्रॉप आता है, यहाँ पर हम जाके यहाँ अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये हो गया लोगो। तो उसके ऊपर हमको यहाँ जाके इसको सेव करना है, तो हम कर लेते हैं सेव साइज कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम जाते सेव कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेव। ये हो गया सेव, इसको हम अपना फाइल में सेव कर लेते हैं। इस तरह से आपको आता है ये सेव बटन पर, इसको सेव करना है। तो अभी हमें इसको मिलेगा यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है इसको।
तो ये था आज का वीडियो है सर, आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक है, इसको जाके इंस्टॉल करके आओ, वहाँ से इसको आसान तरीके से आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके बाय।